स्टूडेंट अवर न्यू न्यूमरिकल न्यूमरिकल ऑन वन एंड फिक्स एन अदर थ्री इट मीन कैन डिलीवर भीम सो इन दिस न्यूमरिकल हाउ द न्यूमरिकल विल फ्लो लेट एस सी अम एबीसी एंड सिम्पली सपोर्टेड एट पी एंड सी ए पे फिक्सड है बी और सी पे क्या है सिंपली सपोर्टेड है हम यहाँ पे लिख देंगे बी और सी पे सिंपली सपोर्टेड है ए बी सिक्स मीटर बी सी सिक्स मीटर इट कैरीज अ पॉइंट लोड ऑफ फोर्टी एट किलोमीटर फ्रॉम ए एट फोर एंड पॉइंट लोड ऑफ सिक्सटी किलोमीटर टू मीटर फ्रॉम सी अब देखो फिक्स बीम में हमको सबसे पहले क्या करना पड़ता है एक इमेजिनरी स्पैन बनाना पड़ता है क्या यहां से हमने एक्सटेंड करे स्पैन को ए जीरो तक मतलब ये सपोर्ट कैसा हो गया अब सिंपली सपोर्टेड हो गया कैसा हो गया ये सपोर्ट सिंपली सपोर्टेड हो गया तो हमने सबसे पहले क्या करें जो भी फिक्स्ड एंड रहेगा तो उसको स्पैन बढ़ा देंगे उसकी वैल्यू जीरो रहेंगी पूरी ए जीरो एल जीरो देन लोड भी उस पर जीरो रहेगा ठीक है देन हमारी सबसे पहली स्टेप हमेशा की रहती है कैलकुलेट फ्री एंड मोमेंट स्पैन ए जीरो ए पे जीरो हो जाएगा क्योंकि कुछ भी नहीं है स्पैन ए पे डब्ल्यू ए अलग अलग जगह लोड लग रहा है तो स्पैन बी पर डब्ल्यू ए वैल्यू अप करे डब्ल्यू फोर्टी एट है सिक्सटी है फोर है टू सिक्स और पहले के आई सिक्सटी फोर दूसरी की आई एटी सेकेंड रहेगा कैलकुलेट एंड बार ए जीरो ए स्पैन पर ए स्मॉल एरिया भी जीरो होगा एक्स जीरो होगा और ए बी स्पैन पर एरिया वन होगा हाफ बेस इंटू हाइट मतलब हाफ सिक्स इंटू सिक्सटी फोर वन नाइनटी टू मीटर स्क्वायर एक्स बार हो जाएगा एल वन प्लस ए बाई थ्री क्यू एल वन प्लस ए बोले क्योंकि यहां बोल रहा है फ्रॉम ए और वो बोलता था फ्रॉम सी तो हमने ले लिए एल वन प्लस ए बाय थ्री सिक्स प्लस फोर बाय टेन द्री पॉइंट मीटर बीसी में एरिया टू हो जाएगा हाफ फिर से बेस इन टूट सेम फॉर्मूला वैल्यू अलग टू फोर्टी मीटर स्क्वायर देन एक्स हो जाएगा एल टू प्लस बी बाय थ्री सिक्स प्लस टू बाय थ्री दैट इज टू पॉइंट सिक्स सेवन मीटर ठीक है स्टेप एक बार देख लो क्या करे स्पेन ए जीरो जीरो ए में कोई भी वैल्यू नहीं था जीरो ले लिए एबी में उसका फॉर्मूला लगाए यूडीएल होता तो डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय एट जो कि असाइनमेंट के क्वेश्चन में है और सेंट्रल पॉइंट लोड होता तो डब्ल्यू एल बाय फोर ओके यहां पे ध्यान दीजिए अब थोड़ा कैलकुलेट एफईम यूजिंग थ्री मोमेंट थेरम अब सबसे पहले हमारे पास क्या होगा स्पैन ए जीरो ए बी मतलब ए जीरो ए बी ये स्पेन लेंगे फिर ये स्पैन लेंगे तो फॉर्मूला वैसा हो जाएगा उस हिसाब से एम जीरो प्लस ट्वाइज एम एल जीरो प्लस एल वन प्लस एम बी एल वन इज इक्वल टू माइनस सिक्स ए जीरो एक्स जीरो अपॉन एल जीरो प्लस सिक्स ए वन एक्स वन अपॉन एल वन यहां पर एम जीरो जीरो रहेगा क्योंकि सिंपली सपोर्टेड बीम हमने कैंटिलीवर को में कन्वर्ट करे सिंपली सपोर्टेड में तो एम जीरो और डी सी uh, क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा तुम्हारा एम जीरो और सी क्या हो जाएगा जीरो तो ट्वाइज एम एल जीरो जीरो था सिक्स ट्वाइज ये फॉर्मूले में पुटअप करे ये पूरा टर्म जीरो रहेंगी तो ये जीरो हो गया तुमको इक्वेशन नंबर वन मिला फिर स्पैन ए बी सी एम ए एल वन प्लस ट्वाइज एम बी एल वन प्लस एल टू प्लस एमसी एल टू इजिकल्स टू जो अपना फॉर्मूला है स्पेन ए बी सी में लगाएंगे एमसी जीरो है फॉर्मूला पुटअप करे ये वैल्यू आई एम सी जीरो है तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा जीरो एम ए जीरो है तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा जीरो तो हमने दो दूसरी स्टेप मिली मतलब दूसरा इक्वेशन मिला देन साइमल्टेनियसली सॉल्व करे तो एम ए इतना आता है एम बी इतना आता है कैलसी में अब डायग्राम बनाना था तो इस पे तो कोई भी वैल्यू नहीं है तो ए जीरो इस पेन पे जीरो रहेगा कुछ भी वैल्यू नहीं है इनका एरिया बन गया फिर ए पे एम ए इतना आया एम बी इतना आया एम सी जीरो है और फिर ये इसका कंबाइन वाला पोर्शन ठीक है क्या किया मैंने पहले स्पैन एक्सटेंड किया पहला फिर ए जीरो ए की वैल्यू पूरी रही थी, देन दूसरे स्टेप में भी जीरो रहेंगी देन वैल्यू निकाला फिर स्पैन ए जीरो ए बी लिया तो उसमें एम जीरो एल जीरो तो जीरो रहेगा ये पूरी टर्म जीरो रहेंगी तो ट्वेल्व एम ए एक इक्वेशन मिला दूसरा एक इक्वेशन मिला साइमल्टेनियसली सॉल्व करें और फिर हमको वैल्यू मिली अब देखो असाइनमेंट में तुमको क्या करना है पहला है एक्सटेंड करेंगे डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय एट डब्ल्यू एल बाय फोर फिर ए वन अपना फॉर्मूला फिर से लगाएंगे अपना ए टू एक्स वन एक्स टू कैलकुलेट करेंगे यहां पर जो अभी गया एक्सटेंड करेंगे डब्ल्यू ए बी बाय एल डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय एट और फाइनल वैल्यू निकालेंगे ठीक है और उसका डायग्राम बनाएंगे